ये है Redmi Pad Pro Harry Potter Edition। जी हाँ, काफी बड़ा बॉक्स मिल गया है, कैमरे में भी नहीं आ रहा है। बॉक्स पर सब जगह हैरी पॉटर ही हैरी पॉटर देख रहा है। चलिए बॉक्स को खोलते हैं। सबसे ऊपर इसमें इस टाइप का लिफाफा दिया गया है। इसमें है टैब का केस, काफी अमेजिंग केस है, डिजाइन वगैरह बहुत प्यारे लगते हैं। टैब को पहले ही साइड में रख दिया था हमने, उसके बाद Redmi का ये पेन, 33 वॉट का अडैप्टर, केबल एंड सिम इजेक्टर, और लास्ट में है ये मैनुअल। सो ये है हमारा फाइनल टैब हैरी पॉटर एडिशन ऑफ Redmi Pad Pro। काफी अच्छा लग रहा है इस हैरी पॉटर नेम और डिजाइन के साथ। 12.1 इंचेस की 2.5K रेजोल्यूशन वाला LCD डिस्प्ले दिया गया है। 38,000 के हिसाब से स्टूडेंट व बच्चों के लिए ठीक ठाक है। AMOLED डिस्प्ले देते तो और बेहतर रहता। वैसे अगर इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो आपको लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, लैपटॉप से याद है, डेल के सभी प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, मॉनिटर्स वगैरह पे बहुत अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। आप अपने बजट में बेस्ट लैपटॉप ले सकते हो। 30,000 से लैपटॉप स्टार्ट है और हाई एंड लैपटॉप्स भी काफी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। इनके लैपटॉप हर प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है, तो इससे अच्छा मौका और ऐसे कूल ऑफर्स फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर करें। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। बेजल्स बहुत छोटे हैं तो कंटेंट देखने में बहुत मजा आने वाला है। एंड उसके इसके साथ अटैच कीबोर्ड भी है तो टाइपिंग वाला काम भी आराम से हो जाता है, और इस पेन से भी काफी कमाल के क्रिएटिव काम कर सकते हो। OS सिस्टम की बात करें तो इसमें Xiaomi का हाइपर OS डाला हुआ है, काफी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है, दोनों ही बस काम चला हुआ है। और पीछे ये दो कैमरे नहीं है, नीचे वाली फ्लैश है। बाकी 33 वॉट की चार्जिंग के साथ 10,000 की बैटरी लंबे टाइम तक आपका साथ निभाने वाली है। और हाँ, 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, Dolby Atmos एंड हाई रेज ऑडियो सपोर्ट के साथ। और इस बार तो हेडफोन जैक भी दिया गया, पता नहीं ये कैसे याद आ गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो 7S Gen 2 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है, बाकी 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दिया हुआ है, जिनसे ठीक ठाक गेमिंग भी हो जाएगी। तो ये था Redmi Pad Pro, आपको कैसा लगा ये टैब? और हाँ, डेल पे बहुत सारे कूल ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे।